विश्व स्ट्रोक दिवस के मौके पर स्ट्रोक के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से डॉक्टर दीपक गोयल, डॉक्टर आनंद मोहन ठाकुर और डॉक्टर राहुल प्रसाद ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्ट्रोक के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। स्ट्रोक के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपक गोयल ने बताया कि स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिमाग को खून की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती। इसके कारण दिमाग की कोशिकाएं तेजी से मरने लगती हैं। स्ट्रोक के कारण दिमाग का प्रभावित हिस्सा काम करना बंद कर देता है। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाका होने की वजह से ये बीमारी यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है। ये किसी भी उम्र, सामाजिक तबके या फिर लिंग के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। भारत में स्ट्रोक होने का शिकार 12% मामलों का कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल है। स्ट्रोक के मात्र 3% मरीजों को ही थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी मिल पाती है क्योंकि वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास करने होंगे ताकि मरीजों को स्ट्रोक के कारण होने वाली अपंगता से बचाया जा सके। बात अगर मैक्स की जाए, पिछले 5 सालों के दौरान स्ट्रोक के 100% एलिजिबल मरीजों को थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी गई है। मात्र 7 मिनट के अंदर इलाज देने में ये लोग सक्षम हैं। आज की तारीख में हम लोगों ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक एक्रोनिम दिया हुआ है कि फास्ट। फास्ट का एक्रोनिम ये कहता है कि फेस में बदलाव आ जाए, ए से आर्म, आर्म में कोई बदलाव आ जाए, कमजोरी आ जाए, एस से स्पीच, स्पीच में कोई बदलाव आ जाए, तो टाइम इज इम्पॉर्टेंट, तो टी का मतलब है टाइम। तो फास्ट का मतलब ये रखा गया है किसी को एकदम से अचानक में चेहरे में तिरछापन आना, आवाज़ का जाना, हाथ पैर में कमजोरी होना, ये पहला लक्षण हो सकता है स्ट्रोक का। दिस इज द बेस्ट टाइम कि यू रीच टू द नियर बाई हॉस्पिटल टू नो कि ये स्ट्रोक हो गया है। अगर वो स्ट्रोक हो गया है तो देन फर्दर एक्शन टू बी टेकन विद इन 3 आवर, जिसमें कि साल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू, स्मोकिंग का इंसिडेंस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया गया है, जिससे स्मोकिंग की वजह से क्लॉटिंग का बढ़ना। तीसरा, यहाँ पे हम लोगों का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से खून का गाढ़ा ज़्यादा होना, ये स्ट्रोक के इंसिडेंस को बढ़ावा देता है। तो हमारे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ इंसिडेंस स्ट्रोक का ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोगों को एजुकेशन प्रोग्राम बढ़ाना पड़ेगा कि जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर पीड़ित हैं, वो अपनी दवाई को नियमित रूप से चेक कराएं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। संवाद 365 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट।